दोस्तों पंजाब सरकार ने ऑफिशियल न्यूज़ यह जारी कर दी है कि जिहड़ी पटवारी की पोस्ट है वह नैक्सट मंथ जनवरी के लास्ट तक जिहड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी, पर उस तो पहले उसकी प्रिपरेशन आपां नूं कर लेनी चाहिए है ता ही जिहड़ा कि पटवारी का एग्जाम आपां क्रैक कर पावांगे। तो अज दी वीडियो विच आपां गल करांगे कि पटवारी का सिलेबस की हुंदा है कि इसकी तैयारी करने वास्ते जिहड़े कि आपां नूं बुक्स की जरूरत पैंदी है वह किहड़े किहड़े सब तो बैस्ट बुक ने पढ़न वास्ते। ते जे वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, तुहाडे सपोर्ट की बहुत जरूरत। दोस्तों एक बार तुसीं इह सिलेबस देख लो जिहड़े पटवारी दे एग्जाम विच आउंदा है, ते एक बार इस नूं राइट डाउन कर लो कापी ते वीडियो नूं पॉज़ करके। हुण आपां गल करदे हां इह सिलेबस रिलेटड तुसीं किहड़ी बुक तों चंगी तरह तैयारी कर सकदे हो। दोस्तों जनरल नॉलेज की तैयारी करने वास्ते इस तरह की बुक आउंदी, एक हरियंट पब्लीकेशन की बुक है यह। दोस्तों काफ़ी चंगी इस पूरी डिटेल जिहड़ी जनरल नॉलेज इनकलूड की गई है। तो एक बार जे इस नूं पूरी तरह तुसीं पढ़ लोगे तो पटवारी का एग्जाम तुसीं नॉर्मली ही क्लीयरीफाई कर लोगे। तो दोस्तों जिहड़ी जिहड़ी बुक मैं इत्थे दस रहा इन्हां नूं जे तुसीं परचेज करना चाहुंदे हो खरीदना चाहुंदे हो तो नेड़े दे बुक स्टोर तो तुहानूं इह बुक्स नहीं मिल रही तो मेरी वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच लिंक है जिस ते क्लिक करके सीधा तुसीं ऑनलाइन इस नूं ऑर्डर कर सकते हो। जिहड़ा कि इह बुक स्टोर नालों काफ़ी घट रेट ते तुहानूं तुहाडे घर पहुँचा दित्तियां जाणगियां। ओके दोस्तों उस तो बाद गल करिए रीजनिंग की। दोस्तों वर्बल ते इनवर्बल रीजनिंग होंदी है, बट पटवारी के एग्जाम में सिर्फ वर्बल रीजनिंग रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी करने वास्ते तुसी इस तरह की बुक आती है एक जिहड़ी कि आर एस अग्रवाल द्वारा लिखी हुई है, तो काफ़ी चंगी डिटेल्ड इन्होंने वर्बल रीजनिंग समझाया हुआ। तो आई होप तुहानूं बहुत इंट्रस्टिंग भी लगेगी यह बुक पढ़ने विच, तां करके जे तुसी पटवारी का एग्जाम क्लीयर करना चाहते हो तो वर्बल रीजनिंग वास्ते यह बुक बाय आर एस अग्रवाल जरूर रीड कर लो। दोस्तों हुण मैथमैटिक की गल करिए, दोस्तों सब नूं पता है कि मैथ जिहड़ा कि आर एस अग्रवाल का ही सब तो बेस्ट है। जिहड़ा भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वह आर एस अग्रवाल का ही मैथ नूं एक बार स्टडी जरूर करता है। तो चंगी तरह इस विच क्लीयरीफाई किया होया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो किस वे नाल जिहड़े कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम विच। तो पटवारी की पोस्ट वास्ते भी यह जिहड़ा कि आर एस अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ मैथ ही तुसीं रीड करना है। दोस्तों इन्हां बुक्स नूं जे तुसीं खरीदना चाहुंदे हो तां वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच सारी बुक्स दा लिंक मिल जाणगे। जिहड़े भी तुसीं बुक नूं परचेज करना चाहुंदे हो लिंक ते क्लिक करो, सीधा उत्थे ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ते विदिन 5 दिनां दे अंदर अंदर तुहाडे घर ते इह डिलीवर कर दित्ती जाएगी। पटवारी की पोस्ट विच फाइनैंशियल अकाउंटिंग दे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाणगे, ते उसकी तैयारी करन वास्ते आपां नूं इस तरह की बुक यह पेज तुहाडे सामने है, यह आपां परचेज करनी है जिहड़ी कि मोहन जनेजा अते जे एस अरोड़ा अते आर सी चावला द्वारा लिखी हुई है। तो यह जिहड़ा कि भी पटवारी की पोस्ट वास्ते फाइनैंशियल अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चन नूं कवर कर लेंदे आ, मतलब मेन मेन क्वेश्चन जिहड़े कि एग्जाम विच पूछे जा सकदे आ उही क्वेश्चन इस बुक विच लिखे हुए हैं। अते इंग्लिश लैंग्वेज की गल करिए, दोस्तों लूसेंट पब्लिशन की जिहड़ी यह बुक आउंदी आ काफ़ी चंगी तरह क्लीयरीफाई इस विच भी इंग्लिश जिहड़ी जनरल इंग्लिश है उसनूं क्लीयर किया हुआ है। तो एग्जाम रिलेटड यह सब तो बेस्ट जिहड़ी कि इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है। एंड दोस्तों एग्रीकल्चर की गल करिए, एन आर सुंदा द्वारा लिखी हुई यह बुक एक बार रीड कर लो, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ज़्यादा कोस्टली नहीं है, बट इस सारे ही एग्जाम आने वाले क्वेश्चनों को कवर कर लेगी। दोस्तों हिस्टरी ऑफ पंजाब बारे जानने लिए सब तो बेस्ट बुक जी साडा पंजाब 2021 का एडिशन है जिहड़ा कि लिखा हुआ मनीष जिंदल द्वारा, यह बुक एक बार पक्का तुसी रीड करनी है जे पटवारी का हजे एग्जाम तुसी क्लीयरीफाई करना है। और दोस्तों जो कोई दिक्कत आती है इसमें परचेज करने ऑनलाइन किमें खरीदनी है जो तुम्हें समझ नहीं आता तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं तुम्हें नैक्सट पार्ट है कि पूरा इस किमें ऑनलाइन बाय करते हैं तो किमें अपने घर तक आँदी है यह पुस्तक पूरी डिटेल में एक वीडियो बना के दे देंगे। तो तुम अपने मोबाइल पर भी यह ऑर्डर कर सकते हो। जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो। जो कोई सवाल है मन में तो कमेंट कर दो।